ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पंपिंग सिमुलेटर 2। तो गाइज यार, आई एम श्योर तुम लोगों को लास्ट एपिसोड में इतना मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन गाइज आज तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग स्पेंड करने वाले हैं 200K $1000 हमारे पूरे के पूरे स्टेशन पे, और इसको पूरा का पूरा मैक्स आज करने वाले हैं। ठीक है, एकदम पूरा का पूरा मैक्स कर देंगे, सारी चीज़ें लगाएंगे और नए नए एम्प्लॉयज़ भी आज अपने को हायर करने हैं। और ये देखो भाई, तुम लोगों ने बोला था कि ऑफिस से निकल के आएंगे, लेकिन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से भाग भाग के आ रहे भाई। ये क्या चल रहा है इधर? ओके, यहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज काम पे आ चुके हैं और यहाँ पे कस्टमर्स भी आ रहे हैं। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ठीक है, इनके नाम वाम भी भाई, इसका क्या नाम है भाई? इसका तो ऑस्कर नाम है। ठीक है भाई, जो भी है, अभी मेरे पास में सिर्फ $4000 है। ठीक है, एंड हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे मैक्स स्टार्स हो चुके हैं, 6 के 6। ठीक है, तो अभी देखो गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे 12 जो वर्कर्स होते हैं ना, वो 12 नहीं, एक्चुअली व्हाट 15 वर्कर्स हायर कर सकते हैं भाई अभी अपन लोग। तो मैं सारे वर्कर हायर कर दूंगा, कोई सीन नहीं है। लेकिन पता है गाइज, इसी के साथ अपने साथ क्या प्रॉब्लम हो चुकी है? तो हमारी जो बीवी हुआ करती थी कभी, वो हमें छोड़ के चली गई है। आई नेवर वॉन्टेड इट टू बी लाइक दिस, बट ही स्टॉप्ड पेइंग अटेंशन टू मी। हम अपन काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि भाई उस पर बिल्कुल भी अपन ध्यान नहीं दे पा रहे थे, एंड वो हमें छोड़ के चली गई है हमारे बच्चों के साथ में। सैड लाइफ गाइज। एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम योर मदर, नथिंग लाइफ शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन योर लव्ड वंस, बट आई स्टिल लव यू वेरी मच सन, गुड बाय। नॉट ओनली माई वाइफ और गर्लफ्रेंड, बट इवन माई मदर लेफ्ट मी। गाइज दिस इज़ वेरी सैड, ओके, बट ठीक है गाइज, मैं घर जाके चेक करूँगा एक बार कि वापस तो नहीं आ गई करके। और यहाँ पे हमारे पास में 2 लाख डॉलर जो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, इनको कर लेते हैं अपन कलेक्ट और लेट्स गो बॉयज, आज तो मज़ा ही मज़ा आने वाला है। ओके, तो हाँ, तुम लोगों ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है भाई कमेंट्स में, मैंने सारे के सारे पढ़े हैं। ठीक है, एंड तुम लोगों ने बोला रिपेयर करने को, रिपेयर का तो इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा था, एक सेकंड को नहीं आ रहा भाई रिपेयर का ऑप्शन। आई थिंक कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि ये ड्यूरेबिलिटीज़ की कम हो जाती है तो इनको रिपेयर करना पड़ता है। इसको रिपेयर कर देता हूँ, इसको रिपेयर कर देता हूँ, ये तो चलो ठीक ठाक है, इसको ये भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो आई थिंक इनको रिपेयर करना पड़ेगा बीच बीच में कभी। और बाकी जो है हमारे यहाँ पे जितना भी सामान लास्ट एपिसोड में रखा हुआ था ना, ये तो मैंने रीस्टॉक के लिए रखा है ताकि थोड़े बहुत पैसे वैसे यू नो आते रहे। और यहाँ जितना भी सेल्स वगैरह के सामान रखे हुए थे ना, इन लोगों ने जो मैंने एक ना हायर किया था बिल्डर, तो उसने सारा सामान जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगा दिया है गाइस। ठीक है, तो मैंने उसके बाद में उसको वापस हटा दिया क्योंकि वो कुछ काम कर नहीं रहा था, और लाइक मैंने कुछ काम करना ही था ही नहीं, मेरे को बस पैसे अर्न करने थे इसलिए। और तुम लोगों ने बताया कि अपन जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के जो कैमराज है ना, उनको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आई थिंक मैं जब यहाँ से कहीं बाहर जाता हूँ ना, तब मैं उसको कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था, वी कैन लाइक यूज़ दैट सिक्योरिटी कैमरा की जो ऐप है उसको भी। रेटिंग्स तो भाई एकदम तगड़ी चल रही है, लेकिन वेरी डर्टी प्लेस साल। अरे एक सेकेंड भाई, इतने सारे वर्कर हायर किए हुए हैं, उसके बाद भी कैसे डर्टी दिखा रहा है ये? एक काम करते हैं, अभी हमारे पास में 4 कैशियर है, ठीक है, पंपर 2 है, और इनके ना यहाँ पर डिटेल्स में अपन काफ़ी सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि इसको अपन सेल्फ फिल करने की नहीं उसके लिए बोल सकते हैं, सेलिंग के लिए सिर्फ रखा हुआ है मैंने इनको कैशियर्स को। तो भाई क्लीनर जो है यहाँ पे देखो, ट्रैश कार को फिल कर सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं भाई मैंने, लेकिन ये प्लेस बॉक्सेस वाला डिसेबल कर रखे, क्योंकि भाई अपने को काम करना रहता है यार गाइस, समझ रहे हो तुम लोगों चीज़। मैंने मैनेजर भी हायर करके देखा, एंड वो पता सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, लेकिन बहुत खर्चा कर रहा था मेरा एक्चुअली में वो। ठीक है, रुको, स्टोकर को मैं वापस हायर कर लेता हूँ, बिल्डर को अपन हायर कर लेते हैं, और मैनेजर को भी मैं वापस हायर कर लेता हूँ। और तो आई थिंक इतने सारे मेरे को मैकेनिक वगैरह रखने की ज़रूरत है भी नहीं यार, इतना आई थिंक इनफ है। और इसको मैं फुल कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो प्राइसेस एकदम मैक्स हैं, स्टेशन अपग्रेड्स पूरे मैक्स हैं, बिल्स भाई साहब है ले, इलेक्ट्रिक का $706 आ रखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे टैक्स भी पे कर दिया मैंने, और बिल्स भी साथ साथ पे कर दिए हैं। यहाँ पे एक बार मैं चीज़ें देख लेता हूँ, ये सारे के सारे जो वेंडिंग मशीन्स है ना, पूरी मैक्स अपग्रेड हो रखी है, सेल्फ्स भी मैंने सारे के सारे अपग्रेड कर लिए थे लास्ट एपिसोड में। और यहाँ पे जो डस्टबिन्स है ना, सिर्फ डस्टबिन्स बचे हैं मेरे हिसाब से तो, और यहाँ तो सब कुछ मैक्स हो गया है। एक बार मैं वॉशरूम के अंदर की चीज़ें चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि आई थिंक शायद से उसने बिल्डर ने सब मैक्स कर दिया क्या भाई? हेलो, एक मिनट गाइस, जरा मैं चेक कर लूँ सारे वॉशरूम वगैरह सब कुछ अपग्रेडेड है क्या यहाँ पर। ये तो अपन ने किया था लास्ट एपिसोड में। इसके बाद में यहाँ का जो डस्टबिन है ना भाई, इसको मैं पूरा मैक्स कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं इस वॉशरूम के अंदर नहीं आ रहा हूँ भाई, कसम से भाई, इतना सारा काम हो जाता है ना भाई वॉशरूम के अंदर, कल मेरा सर दुखने लग गया था, समझ रहे हो तुम लोग। और यहाँ पर कुछ अपग्रेड नहीं कर सकते, टीवी में अपना कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं, ये तो ऑल अरे ऑटोमेटिकली भर दिया लोगों ने डिस्पेंसर वगैरह। ठीक है, चलो ये भी पूरा मैक्स हो रखा है यहाँ पर। वॉशरूम एक बार चेक कर लेते हैं, ये मैक्स है पूरा, ये मैक्स है, ये मैक्स है, ओके, एवरीथिंग इज़ गुड ओवर हियर, सब कुछ मैक्स हो रखा है ऑलरेडी।
और यहाँ की जो डस्टबिन है ना उसको भी मैं मैक्स कर देता हूँ गाइस। बहुत काम होने वाला है गाइस, आज भी मैं बता रहा हूँ बहुत काम होगा। 200K डॉलर स्पेंड करने हैं भाई, ऑब्वियसली काफ़ी सारा काम होने वाला है। इसको मैं अब पूरा का पूरा मैक्स कर देता हूँ गाइस। यहाँ की सारी चीज़ें जो थी वो मैक्स हो चुकी है और हमारा इधर का भी सारा काम हो चुका है। मेरा इस गैस स्टेशन का भी पूरा का पूरा काम हो चुका है। आई थिंक इसमें कुछ बचा है क्या? आई डोंट थिंक। यहाँ की जो डस्टबिन है यार, डस्टबिन ना इतने सारे लगा लिए मैंने भाई कि मेरे को ना इतना काम करना पड़ेगा यार। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ आई, इतने सारे डस्टबिन होने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी डर्टीनेस क्यों हो रही है यार? गाड़ी बड़ी सही लग रही है यार देखने में तो। और हम लोगों ने जो फोर सेल पर रखी है भाई, उसको मैंने अभी तक जो है सेल नहीं कराया। मैंने सोचा कि इसको ना वीडियो के अंदर ही करूँगा मैं, तो मैंने इसको कहीं और पार्क कर दिया मैं ला के। इसके बाद में ये सब अपन अपग्रेड कर नहीं सकते। देखो तुम लोगों ने मेरे को एक और चीज़ बताई कि इसको यूज़ कर सकते हैं अपन, आई नो दैट ब्रो, लेकिन भाई जितनी स्लो ये चलती है ना उस हिसाब से मैं नहीं लेके जाऊँगा इसको। और ऊपर से ये लोग बार बार जो सामान वगैरह लेके जा रहे थे तो भाई मैं फिर तो लाइक तब मेरे को पता नहीं था इतना कुछ, इसलिए अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है सारा यूज़ करने का, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक सामान वगैरह खाली हो गया है क्या? इनको अपन रिफ़िल कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा ना स्टॉक यहाँ पे मंगा रखा है हर चीज़ का, ठीक है, तो इतना कोई सीन नहीं है। जो भी कुछ खाली पड़ा रहेगा तो अपन भर देंगे। एक एनर्जी ड्रिंक, मोटर ऑयल, लाइक अच्छे से अच्छा खासा भर देंगे। कितना पैसा हो गया भाई? ऑलरेडी $5,000 यहाँ पर हो चुका है हमारे पास में। और एक बार मेरे को देखने दो, आज मेरे को ना हमारी जो वो एक बढ़िया सी गाड़ी नहीं है महंगी वाली, वो भी ख़रीदनी है मेरे को आज भाई। बहुत पैसा खर्च करना है। और सोलर पैनल भी शायद से अपन अपग्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये करना चाहूँगा, ये जो कैनोपी है ना देखनी। वैसे ये पुराने वाले ज़्यादा बेहतर लग रही है रादर देन ये जो अभी अपग्रेड किया है इससे। लाइक इसमें अपग्रेड होना चाहिए था, ज़्यादा सही लग रही है मेरे को तो, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा अपग्रेड कर दिया। नहीं यार अभी ज़्यादा सूट कर रही है इसके ऊपर। ओह नाइस, दैट्स गुड। और इसके बाद में मेरे को तुम लोगों ने बताया कि सोलर पैनल भी अपग्रेड करो, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर अपन लैडर भी अपग्रेड कर सकते हैं ब्रो। नाइस, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अपन अपग्रेड कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जैसे टीवी वगैरह, कैमराज वगैरह, इनको अपग्रेड नहीं कर सकते अपन। इसको भी पूरा कर देता हूँ, इसको भी अपन यहाँ पे पूरा कर देते हैं। और यहाँ पीछे पार्किंग एरिया है, मुझे पता है गाइस, लेकिन यहाँ पे पार्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक मेरे को एक चीज़ चेक करनी है, रुको, इसके ऊपर मैं जा पाऊँगा ऐसे? ओके ठीक है, आराम से यार। लेकिन अपग्रेड करने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए थी, सेम टू सेम ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलो यहाँ पे अपन सोलर पैनल्स को जो अपग्रेड कर देते हैं ताकि थोड़े बिल्स वगैरह जो है ना थोड़े मतलब कम आए भाई इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है भाई। आई वॉन्ट कि यार अपन एकदम ऐसे रहे कि भाई बिल बहुत ही ज़्यादा कम आए, मतलब आए ना, समझ रहे हो। चलो तो गाइज यहाँ पे हमारा लास्ट सोलर पैनल भी अपग्रेड हो चुका है, सब कुछ मैंने मैक्स कर दिया है। ये फ्लैग तो होगा नहीं मैक्स, बाकी यार सोलर पैनल पूरे के पूरे अपग्रेड कर दिए। और अभी ना कार्गो स्टेशन किसी ने बुलाया है ब्रो, आई थिंक मैनेजर ने शायद से कार्गो में कुछ तो बुलाया हुआ, देख लेता हूँ क्या मंगवाया है भाई इसने। साबुन वगैरह मंगवाई है आई थिंक, ये शायद से उसके लिए होगी भाई, वॉशरूम वगैरह के लिए, क्योंकि बाकी तो अपन कहीं पर रख सकते हैं नहीं। अभी सिर्फ डस्टबिन बची हुई है सारे के सारे, ठीक है, बाकी तो अपना सारा काम यहाँ पर हो चुका है। और हमारे ऑफिस में भी कुछ चीज़, एक सेकेंड, यहाँ पर ये ख़रीदने वाला आया, इससे बातचीत करके देखते हैं। वेलकम ऑफकोर्स 17125, मैं बेच देता हूँ यार ये तो। एक सेकेंड, माय ऑफर टू यू इज़ रहने देता हूँ भाई, मैं नुकसान में जा रहा हूँ। वैसे पैसा मेरे पे बहुत है तो इतना सीन है नहीं, इसको मैं बेच देता हूँ। अपन बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ लेकर आएंगे अभी थोड़ी देर बाद में जाके, ठीक है। फिलहाल के लिए ज़रा यहाँ देख लूँ मैं, मैनेजर काम कर रहा है कि नहीं। आई थिंक वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रेस एप टू यूज़ दिखा रहा है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको वापस रखने का, बार बार गिर जाता है जब मैं गेम रिस्टार्ट करता हूँ इसलिए। और यहाँ पे मेरे को ना कैट हाउस काफ़ी सारे ऑर्डर करने पड़ेंगे आज। यहाँ चलते हैं स्टेशन, नहीं ऑल में जाता हूँ, ऑल में या हाँ ठीक है रुको, यहाँ देखते हैं क्या क्या रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। सारा कुछ 0-0 दिखा रहा है अभी फ़िलहाल तो, ये भी 0-0-0, अबे कुछ बचा भी है। ओके एक कैमरा बचा हुआ है, आई डोंट नो कहाँ लगेगा, बट ठीक है इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये प्लांट वाले तो भाई ज़रूरत है नहीं, अपन ने ऑलरेडी लगा दिए हैं। यहाँ पर फ्रेम बचे हुए हैं, फ्रेम यार आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, ये मेरे को फालतू लग रहा है। बाकी चार यहाँ पे जो है मैं ये मंगवा देता हूँ, कैट हाउस भी, और रेड कारपेट बची हुई है हमारे वॉशरूम के अभी 5, जो इनको मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ तो बाकी आई थिंक सारा काम हमारा यहाँ पर हो चुका है पूरा का पूरा। कुछ बचा है क्या अपना यहाँ पर? आई थिंक सब कुछ हो चुका है यार, रिमेनिंग जो 0 दिखा रहा है। और यहाँ पे आर्म चेयर 7 बता रहा है, आई थिंक यहाँ पे इस ऑफिस में शायद से आर्म चेयर लग सकती है अपने, और होम चेयर तो घर पे लगेगी, सोफ़ाज भी घर पे लगेंगे।
घर पे यार इतना सामान पड़ा हुआ है, मेरे को लगाने की जरूरत है नहीं है सारी चीज़ें, राइट। स्टेशन में तो अभी अभी मतलब अपन ने सब कुछ खरीद लिया है, सब कुछ लगा दिया है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची है ना अभी, ये भी ऑटोमेटिकली प्लेस कर देंगे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड है भाई इसके अंदर। अभी अपने को बस यहाँ पे बैठना है और तमाशा देखना है इनका बस। वो बिल्डर कहाँ चला गया भाई, ये ना कहीं तो कुछ ना कुछ रखने गया होगा फॉर श्योर, मैं कह सकता हूँ। ये देखो ये रहा बिल्डर, ये क्या लेके जा रहा है, सिक्योरिटी कैमरा। देखो गाइस मैंने बताया था ना कि हाँ एक सेकेंड, आई थिंक ये सिक्योरिटी कैमरा यहाँ का ना ये लगा देगा अपने आप ही। मैं तो उस दिन जब लगाने की कोशिश कर रहा था लग नहीं रहा था, एंड इसने यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगा दिया। बॉयज नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है तू भाई बिल्डर, बहुत बढ़िया। नो नाम है इसका, बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई तू। एंड गाइस हमारा गैस स्टेशन बहुत तगड़ा चल रहा है। एक मिनट, अभी $2,00,000 थे, अभी $2,18,000 हो गए भाई, मतलब तुम लोग देख रहे हो। अच्छा आई थिंक ये ना डायरेक्टली इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि मैनेजर जो है डायरेक्टली 5,000 जैसे होते हैं ना वो इकट्ठे करने लग जाता है। फिलहाल तो अपन अभी जा रहे हैं गाइस हमारे घर पे, घर पे नहीं सॉरी रुक जाओ, देखते हैं हम जा रहे हैं डीलरशिप पे, क्योंकि भाई अपने को ना आज एक बढ़िया सी गाड़ी भी खरीदनी है भाई चलाने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग डीलरशिप के पास में पहुँच चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना, क्योंकि देखो भाई $2,00,000 ना ऐसे तो खर्च होने वाले हैं नहीं हमारे गैस स्टेशन पे, क्योंकि अपन ने सब कुछ मैक्स कर दिया ऑलरेडी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग ये सारी की सारी गाड़ियाँ खरीद लें, क्या कहते हो बॉयज़। हाँ एक तो ये ख़रीद लेता हूँ मैं, सारी खरीदूँगा एक्चुअली मैं, ऐसे तैसे कराया सब कुछ भाई, सब खरीद रहा हूँ मैं। ये 15,000 की है और ये 8,000 की, ठीक है एक एक करके फरारी एकदम लास्ट में लेके जाऊँगा। फिलहाल तो मैं हमारी जो लैम्बोर्गिनी है इसको लेके जाता हूँ, और इनको ना घर पे पार्क करेंगे अपन, घर पे ठीक नहीं नहीं घर पे। अबे एक सेकंड भाई, पता एक और सीन इसके अंदर होता है, लाइक जब मैं रिव्यू के लिए लेता हूँ ना तो मेरा बिल आता है भाई इसके अंदर, भाई मैं कहीं पे भी ठोकूंगा तो मेरे को बिल दे देंगे उस चीज़ का, मेरे को पे करना पड़ता है फिर। अभी तो अपनी पर्सनल गाड़ी हो चुकी है तो अपना कोई सीन नहीं है इतना, अपने को बस लेके जाना है इसको। मैं गैस स्टेशन पर लेके जाऊँ कि अपने घर पे लेके जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं गैस स्टेशन पे ऑफिस के पास में पार्क कर देंगे जो महंगी महंगी गाड़ी है, ठीक है। मैं अपनी लैम्बोर्गिनी ओरोस जो है वो लेकर आ चुका हूँ, और इसको अपन पार्क करने वाले हैं हमारे ऑफिस के बगल में, ठीक है। कभी भी अपने को जाना होगा ना तो अपन इस गाड़ी को लेके जाया करेंगे, आराम से इसको अच्छे से पार्क कर देता हूँ मैं। इसके कंट्रोल्स थोड़े से वेयर्ड से हैं भाई, रिवर्स में लेने वाले, ठीक है इसको अच्छे से यहाँ पे पार्क कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अरे भाई कितना ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रही है लेकिन, बस भाई कितना धुआं फूकेगी भाई साहब। चलो हमारी एक गाड़ी, एक सेकंड ये क्या लेकर आया भाई, ओके तो कैट हाउस भी ये जो है अपने आप लगा रहा है भाई यहाँ पे, देखो उसने सारे लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए हैं, अच्छा एक ही लगाया और ये दूसरा लगा रहा है अभी, नाइस। मतलब अपने को अभी कुछ भी नहीं करना है बॉयज, सारा काम अपने आप हो जाएगा भाई, लेट्स गो भाई लोग, मज़ा आ गया भाई। अभी चलो अपन वापस कार डीलरशिप पे चलते हैं, अपने को एक एक करके ना सारी गाड़ियाँ यहाँ पे लेकर आके पार्क करनी पड़ेगी इसलिए। भाई ये वाली गाड़ी की हैंडलिंग इतनी ज़्यादा ख़राब है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, लिटरली ब्रो ये फिसलती इतनी ज़्यादा है ना भाई, भाई यही यही कारनामे करेगी ये वाली गाड़ी। रुक जा आराम से भैंस की तेरी भाई, ये गाड़ी बहुत बेकार है कसम से, इसके कंट्रोल्स भाई कंट्रोल ही नहीं हो रहे, अजीब ही है ये तो, पता नहीं इसका नाम क्या था, मैंने नाम भी नहीं पढ़ा एक तो इसका। चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पे बगल में पार्क कर। अरे एक सेकंड, वैसे पार्किंग की तो जगह हमारे गैस स्टेशन के पीछे है ही, ठीक है आई थिंक वो पर्सनल पार्किंग इसीलिए दे रखी है शायद से, तो कोई सीन नहीं है गाइस। अपन हमारी जो गाड़ीज़ है ना, आई मीन हमारी जो कार्स हैं, इनको अपन यहाँ पे आराम से पार्क कर देंगे बॉयज, जब ले जाना होगा तब ले जाएंगे भाई यहीं से, क्या कहते हो। हाँ अभी लैम्बोर्गिनी को मैं बाद में करूँगा, या अभी कर देते कोई सीन नहीं है, क्योंकि अपने को ना अभी वैन भी लेकर आनी है भाई यहाँ पर इसलिए। लेकिन ड्रिफ्ट मार देना तो गेम थोड़ा ना ऐसा अजीब सा चौपी सा हो जाता है, मेरे को वो बड़ी बेकार चीज़ लगती है। और अभी हमारे पास में अभी पता है लिटरली ब्रो सिर्फ $50,000 खर्च हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि $163,000 मेरे पे वापस आ चुके हैं समहाउ। ठीक है भाई, डोंट इवन थिंक ऑफ पार्किंग हियर, हाँ क्योंकि भाई पर्सनल पार्किंग है हमारे, तो यहाँ किसी को पार्क नहीं करने दूंगा मैं यहाँ पे। चलो तो बॉयज मैं हमारी वैन को भी यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, इसका वॉक्स वैगन नाम है शायद से। एंड ये गाड़ी के कंट्रोल जो है ना, एक्चुअली उस वाली गाड़ी से जो रिजर्ट वाली गाड़ी है ना उससे ज़्यादा बेहतर है भाई इसके, कसम से भाई बहुत बेहतर है भाई उससे तो ये। हालांकि वो तो इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट मार रही थी भाई, इसको देखो ये आराम से ना ज़्यादा ड्रिफ्ट वगैरह, ड्रिफ्ट तो मारती ही नहीं है, नहीं मारती तो है लेकिन साला ऑरेंज ड्रिफ्ट क्यों मार रही है। हेलो ठीक है भाई, जो भी है अभी अपन लोग जा रहे हैं बॉयज हमारे लिए हमारी लास्ट कार लेने के लिए, जो कि है हमारी फरारी। तो मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ हमारी इस गाड़ी की साउंड, पता नहीं मेरे को बेकार सी लग रही है, आई डोंट नो व्हाई गाइस, बट अरे ये वाली गाड़ी आ क्यों नहीं रही है इसमें ब्रो। ठीक है भाई ये गाड़ी आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है मेरे को, चौड़ी सी है ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही
में ये क्या ग्लिच था भाई, पूरी धरती के नीचे सब कुछ दिख रहा था मेरे को। भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ये देख रहे हो स्पीड कैसे खींच रही है ये। भाई 100 की स्पीड पर तो ऐसे चली गई है, और इसके कंट्रोल्स देखो भाई, ईश भाई ड्रिफ्टिंग। ओ भाई मज़ा आएगा, इस मज़ा आएगा अभी रुको, ईश लेट्स गो, ड्रिफ्टिंग में आएगा मज़ा तो भाई इसको चलाने में। इसके कंट्रोल्स बहुत सही है भाई, ये देखो कैसे। न्यू बिल अराइव्ड, हेलो, किस बात का बिल भाई, एक सेकंड गाइस। अब पेनल्टी, ओके ठीक है, मतलब इसके अंदर अब मैंने आई थिंक वो जो तोड़ दिया कुछ तो वहाँ पे लगा हुआ था जो, ठीक है। लेकिन वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई, देख रहे हो तुम लोग, सुपर कार है भाई ये, शीश भाई बहुत फास्ट है, और कंट्रोल्स भी इसके एक नंबर के हैं। वो लग बात है ड्राइवर बेकार है, बट या द कार इज़ गुड। चलो इसको भी अपन ले जाते हैं, और सामने से सबके सब ठोक दूंगा। एक आर पार कैसे हो गई गाड़ी है, ठीक है भाई यहाँ से लेके जाएंगे इधर, और आराम से कर देंगे इसको पार्क। ये आ गई हमारी गाड़ी यहाँ पे, आराम से उतरो इससे भाई, बहुत सही लग रही है गाइज। मैं सोच रहा हूँ सारी गाड़ियों को ना इस साइड के तरफ फेस कर दूँ, ताकि ना अच्छी लगे भाई देखने में भी। रुक, यहाँ पे कर दिया मैंने सारी गाड़ियों को पार्क, और इनकी लाइटें भी जल रही, ओह नाइस। रुको इनको स्टार्ट करके इंजन और लाइटें जला देता हूँ सारी गाड़ियों की भाई। यो बॉयज़ क्या ही सही लग रही है भाई, लेकिन ये लाइट कैसे चमक रही है अजीब तरीके से ये है। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोगों ने चारों गाड़ियाँ जो दी वो खरीद ली है बॉयज़, एंड अभी फ़िलहाल के लिए यार मैं कहाँ पैसा खर्च करूँ भाई, बस ये डस्टबिन बची और कुछ नहीं बचा इसके अंदर करने को भाई लोग। ब्रो एक काम कर दो, मैं घर पर नहीं गया काफ़ी टाइम से, वह घर चल कर आते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारी बीवी जो है वापस आई है कि नहीं। ठीक है, हमारे घर का जो लैम्प है वो तो चालू है, लेकिन फाउंड नथिंग इलीगल। अरे भैंस की, ठीक है प्लीज़ आ जा, प्लीज़ आता भाई। यार वो कहाँ चली गई भाई, वो आ ही नहीं रही है वापस भाई। यार मैंने इतने दिनों तक मैं सो रहा था और वो आ ही नहीं रही अब तो वो, पता नहीं गाइस क्या बताऊँ, मेरे को फ़ोन कर रही हो कि हाँ मैं आ रही हूँ करके, अब पता नहीं गाइस देखते हैं क्या सीन है। उठ तो गया हूँ मैं सोकर, उठ जा भाई, भाई उसका कोई अता पता नहीं है, ना ही तो उसने मेरे को बस एक मेल करा और भाग गई भाई वो तो। ठीक है भाई एक काम करूँ क्या, क्या पता मैं फूल वूल खरीदूँ उसके लिए, तो शायद से वापस आ जाए हैं। एक बार बाजार चलकर आते हैं, कैंडीज़ और फ्लावर्स खरीद के आते हैं, क्या पता लाइक यू नो थोड़ी बहुत खुश हो जाए कि हाँ भाई मेरा जो हस्बैंड है वो थोड़ा केयर करने लगा है थोड़ी बहुत, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत कैंडीज़ खरीद ली है, इनको मैं घर पर भिजवा देता हूँ, और इसी के साथ साथ मैं जो है ऐसे फ्लावर भी ले लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी ले लेता हूँ। भाई इतना ज़्यादा काम में बिज़ी हो गया था ना मैं वहाँ पर भाई, ये लोग तो भाई एकदम चले गए भाई छोड़ के। चलो अभी जो इनको दवाइयाँ वगैरह देंगे तो शायद से वापस आ जाए ब्रो, बस आ जाए यार। तुम लोग क्या यहीं पे लगे रहोगे क्या सारे दिन, है तुम लोग के पास और कोई काम धंधा नहीं है यहाँ पे सालों, यहीं बैठे रहते हैं हर टाइम पे भाई। ओके यहाँ भी कोई नहीं है, और इनसे कॉफ़ी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, $9 की कर दिया भाई कॉफ़ी भी, देख रहे हो गाइस महंगाई का देख रहे हो कैसे बढ़ रही है भाई, पहले $5 अब देखो $9। ठीक है भाई चलो अभी फटाफट अपने घर जाकर आते हैं, एक बार मेरे को देखना है कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं है। वेल बॉयज़ आई थिंक अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाली है, ठीक है मैं सारा कुछ ट्राई करके देख लिया हूँ, फ्लावर ले आया सब ले आया भाई, इनके लिए मैंने घर अपग्रेड कर दिया भाई, फिर भी नहीं आ रही भाई वो तो, बच्चों को लेकर भाग गई भाई। ठीक है भाई ठीक है, चलो गाइस अभी स्टेशन जा रहा हूँ, स्टेशन पे अपने को काम वाम करना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमारा जो वेयर हाउस का जो पूरा का पूरा स्टॉक है ना, लाइक जितने सेल्फ्स वगैरह रखे हुए हैं उसको पूरा का पूरा भर दिया जाए। ठीक है मैं इतना सारा वो ऑर्डर दे दूंगा भाई, इतना सारा कि 101,60,000 डॉलर जो है ना सारे के सारे ख़त्म हो जाए बस। रुक जाओ अभी काम करते हैं, यहाँ चलते हैं मार्केट में भाई, जितना हो सकता है ना कसम से जितना हो सकता है भाई, मैं इतना ज़्यादा फूड वगैरह सब कुछ मंगा दूंगा यहाँ पर कि भाई एकदम पूरा भर जाए। ठीक है वेल गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा इसको भर दूँ, लेकिन भाई अभी तक सिर्फ $25,000 का जो सामान हुआ है कसम से भाई, और वहाँ पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं कम होने की जगह पर, तुम इस चीज़ देख रहे हो नहीं, मतलब भाई फ़ायदा क्या हो रहा है मेरा। मैं चलो यहाँ पर भाई ऑर्डर कर रहा हूँ $26,000 का पूरा सामान, आई डोंट नो गाइस क्या सीन चल रहा है। ठीक है अभी और रेटिंग देख रहा हूँ तो एक बार क्या है रेटिंग का भाई, वेरी डर्टी प्लेस भाई, कहाँ डर्टी है यार, इतना तो साफ़ सफाई रखा हुआ है मैंने इसको। गाइस अपन ने काम करते हैं, जितने भी यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं ना इनको अपग्रेड कर लेते हैं, ताकि ये लोग जितना भी कचरा वचरा ना है अपने आप ही यहाँ पे पूरा डालते रहें, मेरे को इतनी मेहनत ना करना पड़े भाई। आई मीन अपग्रेड करने वाली
चलो यहाँ पे सब कुछ मैक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी डस्टबिन थी ना इस गैस स्टेशन की, वो तो मैंने अपग्रेड कर दी है। और भाई कसम से बता रहा हूँ, जो बार बार नीचे सर लाइक सर ऐसे झुका झुका के जो अपग्रेड करता ना भाई, मेरा सर दुखने लग गया उस वजह से। लेकिन यहाँ पर अभी चार्जिंग स्टेशन पर भी इतनी सारी डस्टबिन बची हुई है क्या मेरे ओके यहाँ पर भी देखो, ये जो अपग्रेड करता ना भाई, ये ऐसे जो सर नीचे करता ना, मेरा सर दुखने लग जाता है इसकी वजह से। ठीक है भाई, इसका फाइनल अपग्रेड कर देता हूँ। और यह अपने को अभी अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा, अपन क्या ही कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ के जो चार्जिंग स्टेशन की अभी जितनी डस्टबिन बची है ना गाइस, इनको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ पे सामान भी आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा जो हैमर था ना भाई, वो टूट चुका है। लाइक इतना अपग्रेड कर दिया मैंने कि हैमर ही टूट गया भाई। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और हैमर नहीं मिलता क्या भाई इसके अंदर? हेलो ब्रो, आई नीड अ हैमर टू अपग्रेड। भाई यार इसमें हैमर नहीं मिलेगा, प्लीज़ कम ऑन। हैमर बैट, ये रहा हैमर। चलो इसको ऑर्डर कर देता हूँ भाई, हैमर चाहिए अपने को यार, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। मैंने इतना सारा सामान मंगाया था, सिर्फ इतना ही हुआ है ये सारा कुछ मिक्स कर दिया क्या इन लोगों ने भाई? ये तो गलत बात है, मैं तो सोच रहा था पूरा का पूरा मिक्स करवाऊँगा। और इसके अंदर ड्रिंक्स वगैरह कौन रखेगा भाई? हेलो क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? हैं हैमर वाले आ जल्दी आ जा भाई, हैमर चाहिए मेरे को। एक बार देख लेता हूँ यहाँ की सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई है कि नहीं। ये हो गया, इधर भी हो गया है, दोनों इधर भी दोनों हो चुके हैं, इधर भी दोनों हो गए। और इधर के भी सारे सारे अपग्रेड हो चुके हैं, इधर भी सारा कुछ डन है हमारा। ऊपर सब कुछ अपग्रेड कर दिया, अंदर तो आई डोंट थिंक कुछ चाहिए अपने को। हाँ इसके अंदर एक और चीज़ थी, रुक जाओ, एक कैशियर जो था ना उसका वो था क्या बोलते हैं, रुक जाओ भी बताता हूँ। एंड यहाँ पे आई थिंक जब एवरीथिंग इज़ गुड ओवर हियर, इधर भी सब कुछ ठीक ठाक है। एंड यहाँ पे बची हुई सारी चीज़ें बस, बाकी मतलब सब कुछ हो चुका है अपने स्टेशन में ना। रुक जाओ, कार्गो आ चुका है गाइस, रुको। अरे रुक जा, तेरी ऐसे कैसे उठा इससे पहले तू? अरे यार इसको ना, अरे रुक जा भाई, उठाने दे इसको, इसको निकाल लेता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। ठीक है यहाँ चलते हैं, हैमर लेते हैं। और या सबसे पहली चीज़ जो है ना, मेरे को कैशियर का अपग्रेड करना है भाई, जहाँ पे सारा सामान वगैरह रखते हैं लोग। और इसका ये ना, यही हाँ यही बचा हुआ है शायद से, बस इधर का हो चुका है। और इधर भी ये सब कुछ मैक्स हो रखा है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं गाइस, चेक कर लेता हूँ भाई क्या जा रहा है चेक करने में। ये पूरा मैक्स पड़ा हुआ है, ये भी पूरा मैक्स पड़े हुए हैं, ये मैक्स है, ये सारे मैक्स है, इधर भी मैक्स पड़ा हुआ है सब कुछ। मतलब भाई सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ये डस्टबिन बचा। और मेरे पे, मैं सोच रहा था 200 के डॉलर ख़त्म करेंगे, लेकिन भाई अभी मेरे पे 1,00,000 डॉलर बचे हुए हैं। बाकी 30,000 तो मान के चलो कि अपन अर्न कर रहे हैं अभी वो डेली का, समझ रहे हो तुम लोग? बाकी मेरे को डस्टबिन अपग्रेड करना, तो चलो फटाफट से इनको कर देता हूँ मैं। लैंप वगैरह तो नहीं होता अपग्रेड। यहाँ पर हमारा सारा का सारा जितना भी काम था भाई पूरा हो चुका है। हमारा ये पूरा का पूरा जो गैस स्टेशन है ये एकदम मैक्स हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ भी हायर कर दिए हैं, और अपन अभी जो है 15 हायर कर सकते हैं वैसे तो, राइट। एक बार देखता हूँ क्या क्या बचा हुआ है मेरा यहाँ पे वर्कर में। 13 तो मैंने ऑलरेडी हायर कर रखे हैं, मैनेजर की मेरे को इतनी ज़रूरत है नहीं, एक है मेरे पास ऑलरेडी। बिल्डर की भी ज़रूरत है नहीं मेरे को, स्टोकर की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अकेला काम संभाल लेता है वो। बाकी मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि एक जगह पे एक ही सही रहता है। और क्लीनर की भी, क्योंकि क्लीनर तो दो भाई आराम से संभाल रहे, देखो वो बाहर गायब हो गया है, तो मतलब अच्छा खासा काम चल रहा है इनका। कैशर भी मेरे को हायर करने की ज़रूरत नहीं अभी, वॉशर एक हायर कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग आते रहते हैं। ठीक है, बाकी तो अपना सारा कुछ हो चुका है यार यहाँ पे। रुको, जो हमारा प्लेयर अपग्रेड से इसमें पूरा हो गया था। और इसका कैमरा तुम क्वालिटी देख रहे हो गाइज, पहले की तुम लोग को स्टार्टिंग के एपिसोड की क्वालिटी याद है इसकी, इतनी बेकार हुआ करती थी। और अभी देखो गाइज, अपन आराम से तगड़ी फोटोज़ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कैसे करते हैं इसके अंदर, ये रहा। ठीक है चलो, एक गैलरी में सेव हो चुकी है, ये रही हमारी गैलरी और ये रही फोटो, देख रहे हो। और इसके अंदर क्या बचा है वो देख लेता हूँ। लोन तो आज तक अपन ने कभी लिया ही नहीं भाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लोन कौन लेता है भाई, नूब लोगों को जरूरत पड़ती है उसकी तो। चलो अभी प्लेयर अपग्रेड सब कुछ मैक्स है, सिक्योरिटी में हाँ, अरे हाँ अभी देखो सिक्योरिटी कैमराज यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अभी अपन आराम से यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं। ये हमारे कैमरा इसका नोपी के नीचे लगा हुआ है, ये देखो इस तरह से घूमता है कैमरा यहाँ का। ये कैमरे की क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन चलो पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ पे क्या चुरा के भाग गया कब। येलो वेब में, ये तो मेरी पर्सनल गाड़ी है ना ब्रो। अच्छा ये एड्स आ रखे हैं, मैं इनका एड्स वगैरह जो है चला सकता हूँ, किसी को अगर बेचनी हो गाड़ी तो ओह इसके लिए मैं ख़रीद सकता हूँ ये। बाकी माय एड्स में अपन अपनी गाड़ियों को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, वो हमारी पर्सनल गाड़ियाँ हैं। और एक सेकेंड, ये ओके इसके आसपास में दिखा रहा है। ठीक है, पोस्ट एड में, अच्छा ये मेरी गाड़ी आएंगी। ठीक है, येलो वेब में और कुछ नहीं है। मेल तो भाई कुछ नहीं बोलना चाहता मैं इसके बारे में, तो हमारी बीवी भाग्य छोड़ के अपने को। अभी भाई आराम से अपन जो है ना ये कैश ड्रॉप्स खोलेंगे, तुम देखते जाओ गाइस, अपन लक आजमाएंगे अपना। आजा आजा कुछ ढंग का निकल जाए।
वैसे तो मैं फालतू के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ इस पर। उई अबे यार यूएसबी डर्क वाटर, अबे भाई कुछ तगड़ी से दे दो यार। ये लाल कलर की मिल गई ना, लाल और येलो वाली सबसे महंगी स्किन्स होती है इसके अंदर। उई 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 भाई $730 ब्रो। भाई लगा आजमा दे आज तो, एक एक केस आर्डर मिल गया अपने को, लेट्स गो। रेटिंग में तो भाई ड्रिंक्स आर नॉट कोल्ड, भाई मैंने रख रहा कहीं पे भी। हाँ नहीं तो यार इतना सामान कर लो, उतना इनकी ना अलग ही सीन है भाई, इनको तो क्या बोलूँ मैं तो। गैलरी में फोटोज सब कुछ तो अपन ने कर लिया है इसके अंदर ना। तो यार आई थिंक इस सीरीज़ का भी यहीं पे अपन एंड रखते हैं, आई मीन एंड करते हैं सीरीज़ को भी, और अपन ने सब कुछ कर दिया तो ऑब्वियसली यार। तो गाइज आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस सीरीज, एंड अगर मजा आओ तो नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।